गुलाब भाई की गाड़ी जम्मू की फेमस टैंक था ये ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम यार इसमें बॉडी रोल तो बहुत खतरनाक होगा भाजी सज के आए थे यहाँ पे देखो तो कुछ भी नहीं है बंद पड़ा हुआ 50,000 रुपए का लिया था और बाइक एक्सीडेंट हुआ उसके बाद फर्स्ट V8 Xenon सॉलिड एक्सल एंड रियर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो एक और दिन आ गए हैं वापस आपके पास होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी आज हम बात करने वाले हैं बहुत स्पेशल बंदे की और अश्विन पाजी अश्विन सिंह टक्यार पाजी आपने देखा होगा उनकी लास्ट वीडियो में हमारी गाड़ी फीचर हुई है फिर लकी सो इज़ अ बिग कार एंथुसियास्ट तो इज़ अ बिग कार गाय और उसके चैनल पर हमारी गाड़ी फीचर हुई है एक तो हमारी टैंक थार हुई एक तो जो हमारा V8 प्रोजेक्ट है दोनों है मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई एक इतना बड़ा बंदा है जो हमारी गाड़ी देख के एक्साइटेड है सो जो V8 प्रोजेक्ट है अश्विन सिंह पाजी को अगर कोई वीडियो पहुँचा सकता है तो पहुँचा दे तो उनको ये बताना है कि लाइक बिकॉज आई नो ही विल बी वेरी हैप्पी विद दैट कि वो एक सिर्फ V8 ही नहीं 1UZ LC का इंजन है उसमें बट उसमें हम सुपर चार्जर भी लगा रहे हैं ठीक है विद एन इंटरकूलर सो दैट्स गोना बी समथिंग वेरी स्पेशल सो V8 तो है ही स्पेशल बट सुपर चार्जर के साथ ये और भी स्पेशल हो रही है जिन लोगों ने ये बाइट नहीं देखी है ना आगे हम बाइट ऐड कर देंगे आप प्लीज ये देखें और मेरे को पूरी होप है आप सबको पसंद आएगी गुलाब भाई की गाड़ी जम्मू की फेमस टैंक थार ये CRD को सॉलिड एक्सल कर रखा है अच्छा पुराने वाली जो थार आती CRD है उसको सॉलिड एक्सल कर रखा है दिस डाना 44 लिफ्ट तो मेरे ख्याल बहुत ही ज्यादा लग रही है इसमें 5 इंच से भी ऊपर लग रही है नहीं 5 है उन्होंने फिर बॉडी लिफ्ट कर रखी है अच्छा तो ये भी मेटल है ये किससे बनाया है नहीं ये बाहर से इंपोर्ट किया था अच्छा रैंगलर का ही है हां ये पूरा इन्होंने चेंज करवा रखा है यार इसमें बॉडी रोल तो बहुत खतरनाक होगा भाजी ये तो सिर्फ मतलब ये ट्रेलर पे लेके जाओ सिर्फ ऑफ रोड अपने ट्रैक पे उतारो और वहीं से ऑफ रोडिंग करो और वापस ट्रेलर पे चढ़ा के लो रोड वर्दी नहीं है जैसे गबरू वाली है पंडित जी वाली है आप फिर भी रोड पे चला सकते हो जो बोलेरो V8 है भाई ये जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर्सनली आया हूँ एक्साइटमेंट से ये मेरे को देखनी थी इंडिया फर्स्ट V8 Xenon सॉलिड एक्सल एंड रियर स्टीयरिंग भी लग रहा है भाजी क्या करके मानोगे यार थोड़ा हमारे व्यूअर्स को हमारे को इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करो ना तो दिस Xenon विच ईयर इज इट 2015 मॉडल 2015 इसको पेट्रोल में कन्वर्ट करा रहे हैं हाँ RC पे और V8 इंजन डलेगा V8 किस गाड़ी का डाल रहे हैं डोनर कार क्या है LC का 200 100 का डाल रहे हैं अमेजिंग यार एंड नीचे क्या डाना 44 44 और पीछे पीछे भी वही है बट हब्स चेंज कर रहे हैं ओके गाइस मैंने खाली इसको बोला कि तेरी शर्ट चेंज करनी है ये माई आ युद्धवीर सही में अच्छी नहीं लग रही मैं उतारो भाई उतारो बता तो सही लोगों को कैसी लग रही है एक्शन 12 कुछ नहीं कहूंगा जल्दी आ चल जल्दी आ मैं यार जल्दी आ कोई खास होना जाऊंगा तेरे को इधर देख ऑरेंज कलर की पीछे से ठीक है और नीचे पहनी हुई इसने निकर रेडी हो गए निकल रहे हैं युद्धवीर के हमने कपड़े चेंज करा दिए तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है मेरे को तो बहुत पर्सनली अच्छा लगा शूज के साथ शर्ट बहुत अच्छी मैच कर रही है और जीन्स बड़ी अच्छी लग रही है ठीक है गाइस चलो हम दोनों भाई देखो कैसे लग रहे हैं तो हम निकलते हैं किधर जा रहे हैं हम मॉल में जा रहे हैं वेस्ट पॉइंट अच्छा तो कुछ खरीदेंगे क्या खरीदेंगे हॉलीडे हमेशा तो आप कहते हो खरीदेंगे खरीद के मेरे को दिलवाते हो हमेशा कुछ भी खरीदेंगे आपका भी खर्चा करवाएंगे पिछली बार 50,000 का करवाया था इस बार गाइस तैयार होके तो हम आए थे मॉल में बट पहली बार ही ऐसा देखा है मॉल खाली मतलब पार्किंग लॉट बेसिकली अभी मेरे को शक है कि ईस्टर का टाइम चल रहा है कहीं बंद ना हो क्योंकि कोई गाड़ी नहीं है अदरवाइज यहाँ पे तो गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं मिलती चलो अंदर जाके देखते हैं गाइस कलोल हो गई है साले ताले लगे हुए हैं इधर तो यार बेसी हो गई चलो जितने शौक से आए थे उतने शौक से वापस चलते हैं कहीं और चलते हैं घूमने ठीक है छुट्टियाँ बड़ी हुई हैं आज फ्राइडे है ईस्टर की छुट्टियाँ हैं लॉन्ग वीकेंड है फ्राइडे भी छुट्टी होगी लॉन्ग वीकेंड हम तब कहते हैं जब मंडे छुट्टी हो या फ्राइडे छुट्टी हो ये 3 दिन छुट्टी हो पर इस बार एक्स्ट्रा लॉन्ग वीकेंड है कि फ्राइडे भी छुट्टी है और मंडे भी छुट्टी है सो गाइस नो प्रॉब्लम फिर कहीं और चलते हैं ये हमारे हैं गैंडर सिंह भाई बहुत बुरा हुआ तो बहुत बुरा हम तो बहुत सज के आए थे यहाँ पे देखो तो कुछ भी नहीं है बंद पड़ा गाइज आ गए हम हैरिस पार्क
ये एक फूड मार्केट है, सारे इंडियन फूड्स और वो मिलते हैं यहाँ पे, है ना, नेपाली बांग्लादेशी। मैं अभी तो रौनक नहीं है, बस शाम को यहाँ पे बहुत रौनक हो जाएगी। बुड्ढे लगा रहे हैं गपशप, ठीक है, और हाँ यहाँ पे लगती है गेड़ियाँ शाम को, तो बहुत अच्छी जगह है। अभी तो रौनक नहीं है बट हाँ शाम को बहुत रौनक है यहाँ पे, लोग पैदल चल रहे होते हैं, लोग गाड़ियाँ, ये राउंड अबाउट फेमस है यहाँ पे, लोग गाड़ियाँ लगा रहे होते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं। अच्छा थोड़ी सी रौनक लगी हुई है यहाँ पे, देखो कैसे लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे मिलती है बहुत फेमस जलेबी, ये देखो भाई। मेला लग गया, आ गया सी फलूदा वाली शॉप पे, बहुत बढ़िया। इधर क्या ऑर्डर कर रहे हैं आज? फालूदा। हाँ क्या? फालूदा। ओके, ये शॉप देखो, डॉलर का एक डॉलर का नोट, दो का 100 रुपया अपना, बहुत सारी कंट्री से पुराना 1000 रुपये वाला नोट, 500 वाला, बहुत कुछ लगा है भाई। जिधरों ये लगे पान का समान सारा, ठीक है ना, मैं तभी तुम्हें भेजा सी। सो गाइस हालत आप देख रहे हैं बुरी हुई है, क्योंकि आज हमने करी है गैराज की सफाई। ये रहा हमारा सारा सामान, बहुत सारा सामान बाहर रखा हुआ है, और पूरा गैराज हमने क्लीन कर दिया है। ये वैक्यूम क्लीनर है हमारे पास, बहुत अच्छा वाला पड़ा हुआ है। हमारा युद्धवीर अभी डांस करता हुआ गिरा, मजाक कर रहा था। तो गाइस गाइस देखो आपके सामने सारा सामान हम गैराज का यहाँ पे लेके आ गए। तो आपको ना बहुत जल्दी इस एरिया का बहुत ज़्यादा अच्छा ख़तरनाक सा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये गैराज है, हमने पूरा ट्रांसफॉर्म कर देना एक रूम के अंदर, क्योंकि मेरा आ रहा है साला, है ना, मेरा ब्रदर इन लॉ आ रहा है जिसको हमने फिक्स करना है। देखो मेरे लेटर्स देखो, इससे जो मेरे हैं ये डब्बा भर के पूरा, और ये मडगार्ड ट्रक का एक्स्ट्रा पुरानी बैटरीज और ये नई बैटरीज हैं, मतलब बहुत गंदे, जब हम थोड़ा डिस्पोज भी करेंगे। और ये देखो भाई, ये मैंने एक बार एक ट्रक के इंजेक्टर चेंज करे थे, और ये इंजेक्टर सही हैं, और इन्होंने देखो कैसे फेंके हुए हैं बाहर, सही में ये देखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बट हाँ ये देखो सामान, टूल्स, गंद बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये आ गई अपनी गाड़ी, ठीक है, बाहर गए हुए थे कहीं, तो इसमें से छांट के हमें अलग करना पड़ेगा क्या सामान फेंकने वाला है क्या नहीं, पर हाँ गंद बहुत पड़ा हुआ है। तो गाइस मिलते हैं जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी पूरा गैराज, और इसका आपको पूरा प्रोसेस भी दिखाएंगे कि ट्रांसफॉर्म होता हुआ हमने क्या करा, क्या खरीदा, कैसे खरीदा, ठीक है, सब दिखाएंगे आपको। तो गाइस अभी यूट भी साथ साथ में सोचा सेट कर लेते हैं, गैराज तो क्लीन कर ही रहे हैं, खाली तो कर दिया हमने, तो थोड़ा सामान साथ साथ में ही हम सेट करते हैं। तो अभी देखो वहाँ पे चले गए, ये मेरी यूट का बम्पर है जो स्टॉक बम्पर आता है, बहुत अच्छा है, ये भी क्लीन है। अच्छा देखो एक्सबॉक्स कैसे फेंका हुआ है, 360 कदर गया। ये रहा है ऑयल जो मेरे को चाहिए, इसमें से ये भी है अच्छा खासा, इसमें ऑयल, और ये वाला फुल है 20 लीटर का कैनी, ये भी 20 लीटर की है, ये भी चाहिए। अब ये क्या है, ऑयल है क्या? हाँ ये भी चाहिए, ठीक है, वो क्लीनर है। इसमें क्या चाहिए, अब इसमें हमें ये पता नहीं क्या है, ये भी एयर फिल्टर है, ये टर्बो है, ये भी हमें चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है भाई, टायर शाइन। चलो अभी तक तो ये 3-4 कैंस हैं, इनको लेके जाते हैं और रखते हैं यूट के अंदर। गाइस किसी दिन हमने अपने यूट का भी ऑडियो अपग्रेड करना है, मेरे पास ये अंडर सीट सब ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसको हम लगाएंगे उसमें। और ये रही मेरी पुरानी याद, मेरा हेलमेट जो मैंने 50,000 रुपये का लिया था, और बाइक एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने कभी चलाई नहीं, बहुत अच्छा हेलमेट है। ये देखो निशानी,
ये गिरा था तो ये सिर लगा था, तो इसका मतलब क्या है भाई, मेरे सारे भाई छोटे भाई सबको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है राइड करते हैं। तो हाँ, शार्क का हेलमेट है, बहुत अच्छा है, अभी भी रखा हुआ है, क्लीन है वैसे, बार बार से गंदा हुआ थोड़ा सा, तो अच्छे से ठीक करके नेक्स्ट टाइम जब भी बाइक लेंगे, अब कोई जो चाहता है कि हम बाइक लें, नहीं कोई भी चाहता है कि मैं बाइक लूँ दोबारा से, प्लीज़ कमेंट करें। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है, अभी निकल गए, आज बहुत स्पेशल चीज़ लेने जा रहे हैं, मेरा YouTube का सेकेंड इन्वेस्टमेंट, और मेरे को शौक है बेसिकली, इन्वेस्टमेंट क्या हुई ना, ये सब चीज़ों का शौक है, पहले भी था शौक, अब मेरे को बहाना मिल गया खरीदने का। एक बहुत बढ़िया कैमरा खरीदने जा रहे हैं, बेसिकली कैमरा नहीं है ये, क्या हो गया, ये व्लॉगिंग कैमरा, व्लॉगिंग के लिए हो गया, 360 हमें देखेगा, जिसको कहते हैं इंस्टा 360 X3, अभी वो लेते हैं, देखते हैं कुछ और भी साथ में पसंद आता कि नहीं आता। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, देखते हैं आपको पसंद आता कि नहीं आता। गाइस जा रहे थे काम से और युजवीर सिंह मिल गए यहाँ पे गैस भरते हुए सिलेंडर में। गेंडा सिंह, आपके लिए लेके आए हम परांठे, थैंक यू ब्रो, खाना। और कितने बजे फ्री हो रहे हो? दो घंटे तक, इससे शो में जाना आज शाम को, ठीक है? चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ कैमरा खरीदने, आओ फिर आगे मिलते हैं। ये क्या कर रहे हो? गंदी हरकतें, चलो ठीक है, ओके ब्रो। अच्छा, ये छोटा सिलेंडर कितने में पड़ता है? ये वाला $13 में, अगर नया खरीदना हो पूरा, नया बड़ा हमारे पास 9 किलो का। हाँ हाँ, ये कितने किलो किसका? ये 4 किलो कैंपिंग वगैरह के लिए ना। अच्छा, ये कितने का आएगा? ये आएगा नया, या नया नया नया, ये $15, सॉरी 50 ओके, री गैस 15 सही है। हम भी लाइन में लगे हैं ड्रिंक लिए कटाने के लिए। चलो भाई, हमारी बारी आ गई है, ये लो ड्रिंक, युधव सिंह काटो। कितने हो गए जी? ये आ गया यहाँ पे प्राइस। हाँ, साढ़े तो पैसे लेंगे उन भाई, आप पैसे ले जाए, क्या बात, आज तेरे को कैश पे करेंगे, ये ले जी कैश। यस, और कोई खतरनाक सी चीज़ दिखाओ यहाँ पे जो मिलती हो। खतरनाक चीज़? हाँ, तो हमारे पास है माउथ फ्रेशनर, तो यूज़ करके बता सकते हैं। माउथ फ्रेश में कौन सी खतरनाक चीज़ है? वो सही चीज़ है। कौन सी सही चीज़ है? वेप्स। हाँ, वेप। अच्छा, वेप, वेप क्या हुआ? चलो अपने सिगरेट का दिखा दे तमाशा यहाँ पे, सिगरेट कैसे दिखती। अच्छा, सिगरेट नहीं दिखानी, चलो गाइस मॉल में आ गए हैं। ये बड़ी स्टीप इसकी रूफटॉप का पार्किंग में साइड जा रहे हैं हम, और ये गाइस ये मॉल मैंने आपको बताना था, ये मॉल हमारे जो मेरे टाउन में मॉल है उससे एटलीस्ट 3 या 4 times बड़ा है। और आपको कंपैरिजन बताना है तो आप ये लगा लो कि ये हमारे वेब मॉल से एटलीस्ट 20 times बड़ा मॉल है। तो हाँ, बहुत बड़ा मॉल। और गाड़ी मेरे को यहाँ पे भी कोई नहीं दिख रही है, मेरे को शक है कि ईस्टर चल रहा है तो ईस्टर के चक्कर में ये भी बनना हो गई। गाड़ी कोई भी नहीं दिख रही यहाँ पे, तो चलो चलते हैं चेक करते हैं क्या चक्कर क्या है, इतना क्वाइट क्यों है। अदरवाइज यहाँ पे तो कम से कम 2-3-4 हज़ार गाड़ियों के पार्किंग स्पॉट है, मे भी ज़्यादा ही होगी, मैंने गलत गैस लगाया। और वो यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी पार्क लगा दी हुई है, अब चलते हैं मॉल में, होपफुली खुला होगा। वैसे थोड़ी सी गाड़ियाँ तो दिख रही हैं यहाँ पे, बट देखते हैं। चलो गाइस, वही हुआ जिसका डर था, मॉल पूरा बंद है, सिर्फ सिनेमा हॉल और एक बॉलिंग का कोर्ट है वो खुला हुआ है, बाकी पूरा मॉल बंद है, तो कोई भी नहीं दिख रहा, हर एक शॉप बंद है यहाँ पे। तो आज तो कैमरा ले नहीं पाएंगे, दुख तो बड़ा हो रहा है यार, पूरा उसे आया था मैं ना शौक के साथ कि भाई आज कैमरा होगा उसे शूट करेंगे, बट चलो किसी और दिन सही, क्योंकि आज का बहुत अच्छा प्लान था यार हमारा, आज हमने जाना था उस पर ईस्टर शो पे, तो वो मैं सोचता था 360 डिग्री पे शूट करूँगा और अच्छे कैमरे से शूट करूँगा, पर वो तो फ्लॉप हो जाएगा, हमें अपने आईफोन के साथ ही स्टिक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ एक काम कर सकते हैं, हम यूज़ खरीद सकते हैं। डिसअपॉइंटेड, मॉल बंद है, मेरे घर के लिए प्लान्स थे, सो आई डोंट नो, मे बी आई ट्राई बाइंग इट ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन मतलब जो लोग कई बार नए खरीदे होते हैं यहाँ पर रिसेंटली बहुत जल्दी भेज देते हैं, तो
I'll try buying that one. But अगर नहीं मिलेगा फिर तो वी कांट डू एनीथिंग. पर हाँ मैं ट्राई करता हूँ कि ऑनलाइन मिल जाए आज के आज ही, और कल पे फिर हम आज शाम को हम शूट कर पाएंगे उससे ईस्टर शो पे. और एक और प्लान है पेंट बॉल का, तो वो देखते हैं. गाइस चार्जर लिया है कार का, मेरे मेन फ़ोन की बैटरी फ्लैट हो गई है और चार्जर मेरा गुम होता रहता है, तो फिर से आज नया ले लिया. गेस करो कितने का आएगा. आया होगा $20 का यार. अब ये ऑल राइट क्वालिटी का है, मैं नहीं कहता कि बेस्ट क्वालिटी है, बट हाँ $20 का है यार. एक्सपेंसिव तो है यार, चलो क्या करना, फोन में तो रखना ना. तो इसी फ़ोन ऑन करेंगे तभी तो ढूंढेंगे भाई कौन बेच रहा है यहाँ पे Insta360. और Insta360 के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ माइक भी ले लूँ अगर माइक मिलता है तो, क्योंकि माइक बहुत ज़रूरी है. कभी हम जैसे अभी ये प्लान बनाया है हमने ऑफ रोडिंग का भी बनाएंगे, पेंट बॉल का है ना, पेंट बॉल का प्लान बनाया है ये राइड्स में जाने का. वहाँ पे तो आवाज़ ही नहीं आएगी, तो इसलिए माइक बहुत ज़रूरी है. चलो देखते हैं. बर्गर खा रहे हैं, भूख बहुत लगी हुई थी, ड्रिंक ले ली है. यहाँ से माँ के साथ बात कर रहे हैं, यहाँ से साथ में बर्गर खा रहे हैं. चलो एंजॉय करते हैं, मिलते हैं बाद में. कैमरा आज लेना ही लेना, जो मर्जी हो जाए. Thank you.